एबीपी न्यूज ने अपने इंटरव्यू में जैसे ही राफेल पे मोदी जी से सवाल पूछा, मोदी जी नाराज हो गए। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही नाराज हो गए और गुस्सा में एबीपी न्यूज पे ही आरोप लगाने लगे कि आप हमसे सवाल करते हैं लेकिन विपक्ष से नहीं। जरा संयोग देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आप हमसे सवाल नहीं कीजिए, विपक्ष में जो बैठे हैं उनसे सवाल कीजिए। गौर करने वाली बात है कि मोदी जी को सिर्फ एबीपी न्यूज ने ही नाराज नहीं किया है, मोदी जी को उनके अपने दोस्तों ने भी नाराज किया है। मोदी जी को उनके दोस्त ने एक पत्र लिखा, जैसे ही मोदी जी ने उस पत्र को पढ़ा मोदी जी और गुस्सा हो गए। पहले से तो नाराज थे ही, और नाराज हो गए और गुस्सा में कहने लगे, ऐ मेरे दोस्त, क्यों तू मेरी पोल खोलने पे लगा है? सरेआम हमें क्यों बेइज्जत कर रहा है? जी हाँ, ये दोस्त कोई आम दोस्त नहीं बल्कि अमेरिका वाला दोस्त है, जिससे मोदी जी गले लगते और कहते हैं कि देखिए ट्रंप तो हमारा मुरीद हो गया। उसी ट्रंप ने पत्र लिख के मोदी जी को कहा, मोदी जी आपने जो दावा किया था पाकिस्तान का F-16 मार गिराने का, वो तो झूठा निकला। हमने पाकिस्तान को जितने F-16 दिए हैं वो सभी सलामत है, सुरक्षित पाकिस्तान में रखा हुआ है, हमने गिनती करवाई है पाकिस्तान के F-16 की। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ मोदी जी और नाराज हो गए और अमेरिका को धमकी देने लगे कि हम आप पे टैक्स लगा देंगे। लेकिन मोदी जी तो सिर्फ धमकी दिए, अमेरिका दो कदम आगे निकला, इंडिया पे ही और टैक्स लगा दिया। देश की जनता को तो पहले से ही पता था कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए। देश की जनता को मोदी जी युद्ध के आग में भी झोंक सकती है। यही कारण था कि देश की जनता सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रही थी। मोदी जी जब दावा कर रहे थे कि हमने 300 आतंकवादियों को मार गिराया है, 400 को मार गिराया है, देश की जनता को विश्वास नहीं हुआ था। जनता ने कहा, आप हमें सबूत दीजिए कि आपने सच में सर्जिकल स्ट्राइक में 350 आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन देशभक्ति की आर में मोदी जी ने अपना दिमाग चलाया और उसे कहा कि आप सवाल खड़ा करेंगे तो आप सेना के मनोबल को गिराएंगे, आप देश के दुश्मन कहलाएंगे, आपको देशद्रोही कहा जाएगा। यही कारण था कि जनता ने सवाल करना बंद कर दिया और मोदी जी के बातों में आ गए। लेकिन मोदी जी से आगे निकले मोदी जी का दोस्त ट्रंप ने मोदी जी का पोल खोल दिया। अब मोदी जी को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, मोदी जी किसी भी सवाल का जवाब देने से डर रहे हैं। देश की जनता को समझना चाहिए कि जब देश की मीडिया कहती है कि मोदी जी के राज में दुनिया के देशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, इंडिया का डंका बज रहा है, लेकिन जब दुनिया के देश को यह पता लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने सत्ता को बचाने के लिए झूठ बोला था कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया की कितनी बेइज्जती होगी, हमारे देश की कितनी बुराई होगी कि एक इतना बड़ा देश छोटे से पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए झूठ बोलता है और वो पाकिस्तान लगातार हमें ललकारता है। हमारे देश में इतनी ताकत है कि हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ गलवैया खेल रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, पाकिस्तान से जाके गले मिल रहे हैं, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई की बारी आती है तो देश की जनता से झूठ बोल दिया जाता है कि हमने पाकिस्तान में घुस के हमला किया, उसके F-16 को मार गिराया। देश की जनता को सोचना चाहिए कि हमारा देश कहां जा रहा है। हमारे देश की जनता को युद्ध में झोंकने के लिए तैयार रहती है प्रधानमंत्री जी सिर्फ इसलिए कि हमें कुर्सी बचाना है, हमें सत्ता बचाना है, लेकिन जब वाकई में कार्रवाई करने की बारी आती है तो कार्रवाई के नाम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जीरो है। लेकिन देश की जनता को बता दिया जाता है कि देखिए हमारा 56 इंच का सीना है, हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। सच्चाई कुछ और है जो अब खुल रही है। आप इस बात से सहमत तो शेयर कीजिए और मोदी जी के झूठ के पुलंदे को एक्सपोज कीजिए, आप शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।